और यहाँ का जो दबंग नेता है वो हमारे लोगों पर अत्याचार करने से पहले चार बार सोचेंगे कि भाई ये भीम आर्मी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर हम इनके साथ गलत करेंगे तो भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आ जाएंगे। ये उनके अंदर खौफ कल पैदा हो जाएगा प्रशासन में और सरकार में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं छतरपुर में, और छतरपुर में जैसा कि आपको मालूम होगा कल एक महा आंदोलन होने वाला है। चंद्रशेखर आजाद जी छतरपुर आने वाले हैं, हमारे साथ है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बरसिया जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा, जो आपने समय निकाल कर छतरपुर आए और बहुजन समाज से आवाज़ उठाने के लिए आए। तो सबसे पहले बहुत तहे दिल से आपके चैनल का और जो हमारे लोग दर्शक हैं आपके चैनल के, उन सबके साथियों के तहे दिल से जय भीम, वो क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। सर कल के आंदोलन के बारे में एक थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। देखिए कल का जो आंदोलन है वो बहुजन स्वाभिमान सम्मान भाईचारा सम्मेलन के नाम से हम लोगों ने नाम दिया है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं उस मंच पर कल उपस्थित रहेंगे। और जब मैं पिछले महीने 25 तारीख को यहाँ आया, गाड़ा गांव गया, मैंने देखा कि हमारे लोग स्थिति बहुत डाउन है उस गांव में। और जब वो प्रकरण हुआ 11 तारीख को, 11 फरवरी को भीम आर्मी के संज्ञान में, हमारे 13 फरवरी को हमारे संज्ञान में आया, क्योंकि 12 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा आगाज जो है आरक्षण के समर्थन में भीम आर्मी के लोगों ने आवाज़ दी थी, जिसमें 5 लाख लोगों की संख्या में हमारे लोग उपस्थित रहे। जब हमको वो मामला संज्ञान में आया, हमारी जो भीम आर्मी की टीम है, माननीय अनिल वर्मा जी, देवदीन अहरवाल जी, चंदन अहरवाल जी और हमारे मोतीलाल वर्मा जी, रविराज जी, जितेंद्र राज चौधरी, इनको मैंने बताया कि भाई ये मामला है, आप जाकर देखिए। जब ये गाँव में गए तो कोई बात उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था, इतना खौफ जो है उनका वहाँ था। बड़ा मुश्किल जब जो हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी माननीय रणवीर गौतम जी, ये सब लोग पहुँचे और पहुँच करके बात की, बड़ी मुश्किल से परिवार को तैयार किया, हमने विश्वास दिलाया कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। आपने बोला खौफ था, तो ये खौफ किस चीज़ का था? वहाँ खौफ है धीरन शास्त्री जी, उनका जो भाई है जो बागेश्वर गुंडा, हाँ गुंडा है सारे ग्राम, उसका खौफ है। तो इतना खौफ था कोई उनके खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं था। तो भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ रुक करके परिवार को तैयार किया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जब परिवार खड़ा हुआ तो जो हमारी बहन थी उसके दूल्हे को इनने जो दूसरे गांव से लेकर के आए, उसके माध्यम से हमने बात की। फिर जा करके 13 तारीख को जा करके बड़ा मुश्किल से जो है FIR करने के लिए SP तैयार हुआ। उसका कहना ये था कि जो वीडियो है, उस वीडियो में जो पिस्टल है या उनने बताया था टॉर्च है, टॉर्च तो भाई जो उनका जो अंदर जो SP है उसको तो टॉर्च दिख रही थी मेरे हिसाब से। तो भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ धरना दिया, बामुश्किल जाकर के SC ST एक्ट की धाराओं में इनने कायम की। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने क्या किया कि जो 25-27 धारा लगना था वो भी नहीं लगाई उन लोगों ने। फिर दबा करके दोबारा जब मैं 25 तारीख को आया, तो 25 तारीख को जब मैंने परिवार से बात की तो परिवार का कहना यह था कि आपने धारा तो दर्ज करा दी। उसके बाद फिर उन पर दबाव आया, बोले हमारे पास फोन आया धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वो कह रहे हैं कि आप बयान बदल दो, हम दो पत्रकार आपके पास शास्त्री जी ने कॉल किया और हाँ उन्होंने कहा स्पष्ट, मैंने वीडियो भी उसका हमने डाला है। अच्छा, तो वहाँ पहुंचे उन्होंने कहा कि आप बयान बदल दो, जाकर के दो पत्रकार मैं आपके पास भेज रहा हूँ, ये सब उन्होंने बोला उनसे। तो पहुंचे उन्होंने फिर स्टेटमेंट में आपने देखा सोशल मीडिया स्टेटमेंट। फिर जब मैं 25 तारीख को गया तो फिर उनका जो है उनको लगा, मैंने कहा देखो आप इनमें से किसी व्यक्ति को जानते हो क्या? था 5000 लोग उनके साथ खड़े थे, तो नहीं जानते भैया, नहीं जानते तो यानी कि तुम्हारे साथ समाज खड़ा है पूरे, मतलब तुम डरने की आवश्यकता नहीं है। जब समाज में जब बात हुई, जब हम लोगों को हिम्मत दी, जब वो तैयार हुए, फिर दोबारा से 25 तारीख को आंदोलन के लिए तैयार हुई। जब हमने SP से बात की, सचिन शर्मा जी से, हमारे माननीय राहुल वाल्मीकि जी लगातार संपर्क में थे, उन्होंने बात की, माननीय सुरेश जी उनके संपर्क में थे और हमारी भीम आर्मी समर्थ प्रदेश कमेटी उनके संपर्क में थी, और जा करके 25-27 धारा बढ़ाई और हमारे दबाव के बाद, सामाजिक दबाव के बाद उसको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इनने एक रणनीति बना करके, किसी को पता नहीं चला कब अरेस्ट हुआ, उन्हें पता था कि आपत्ति दर्ज होगी, चुपचाप उनको एक पुलिस जो है उसको मेहमान बना कर दिया था। हाँ, देखा उनको मेहमान बना करके एक बिल्कुल जिस तरह से एक दूल्हा को लिया जाता है, इस तरह से पुलिस प्रशासन लेके आई। SP सचिन शर्मा जी ने इतनी मतलब जल्दबाजी की कि 1 घंटे में उनको तुरंत कोर्ट के सामने किया और कोर्ट से तुरंत, अब पता नहीं कि जज ने उनको देखा कि नहीं देखा, तुरंत जमानत पर साइन किए और 2 मिनट में बाहर आ गया सामने वाला भाई। एक तरफ इसी मध्य प्रदेश में कोई क्राइम करता है, आपने देखा होगा रतलाम में घटना हुई थी, उस रतलाम घटना में हमारे JS के नेता डॉक्टर आनंद राय और भीम आर्मी के नेता गोपाल बाघेला जी 3 महीना जेल रहे, आपने देखा होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक तो एक तरफ तुमने एक घंटे में व्यक्ति को छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कोई सरकारी दबाव था? देखो सरकार का दबाव है प्रशासन के ऊपर बिल्कुल है। जब
उस बाबा के सामने एक गृह मंत्री एक मुख्यमंत्री पैरों में बैठता तो आप क्या करा रहा? सरकार प्रशासन पर दबाव है, सीधी सीधी बात है, वो कह रहा है भाई प्रशासन पर दबाव है। जब एक व्यक्ति हमारा क्राइम करता है, एक क्रिमिनल का घर तोड़ दिया जाता है मध्य प्रदेश में, और एक क्रिमिनल को सरकार अपने गोद में बैठा है, भाई हम ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल सारे भाई क्रिमिनल है तो उसका घर तोड़ो ना, क्यों नहीं तोड़ रहा घर भाई? एक तरफ अगर कोई व्यक्ति हमारा क्रिमिनल है उसको तुम घर तोड़ रहे हो हमारे व्यक्ति का, दूसरा अभी यही मैं घटना बताऊँ छतरपुर की, एक दीपू जाटा है थोड़ा सा झगड़ा पुलिस से हो गया, थोड़ा सा पुलिस से झगड़ा हुआ, पुलिस ने जाकर के दूसरे दिन जाकर के घर तोड़ दिया, केवल जाटा था इसलिए तोड़ा। मतलब जातिवादी जो है उनका मानसिकता सरकार की स्पष्ट है, किस देश के अंदर उनकी जो बात मानेगा, उनके धर्म की बात करेगा, उसके पाखंड बात को मानेगा, वो इस देश के अंदर रहेगा। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई, अगर कानून के लिए है तो गरीबों के लिए कानून है। कल का जो आंदोलन है उसके बाद आपको लगता है बुंदेलखंड की धरती के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो कल का जो आंदोलन है, जहाँ तक हमारे जो रुझान आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, बुंदेलखंड याद रखेगा उस आंदोलन को, क्या बहुजन समाज ने कोई आंदोलन किया था उसको देखना कि बुंदेलखंड याद रखेगा। और यहाँ के SP कलेक्टर और यहाँ के जो दबंग नेता हैं वो हमारे लोगों पर अत्याचार करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि भाई ये भीम आर्मी के लोग हैं, SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनोरिटी के लोग हैं, अगर हम इनके साथ गलत करेंगे तो भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आ जाएंगे, ये उनके अंदर खौफ कल पैदा हो जाएगा प्रशासन में और सरकार में। कल कितने लोग आने की उम्मीद है? मैं कह रहा हूँ लाखों लोग आने की संभावना है भाई, भीम आर्मी है भाई भोपाल में, हमने सोचा था कि 1 लाख आदमी हो जाएगा, लेकिन देखो बहुजन समाज 5 लाख लोग पहुंचेगा। सही बात है, तो भाई कुछ कह नहीं सकते, लाखों तो मैं कह ही रहा हूँ। आप सोचो जितने भी लोग बहुजन समाज में, जहाँ तक मैसेज जा रहा है, उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हमारी पूरी प्रदेश कमेटी, एक दिन पहले संदीप चौधरी जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल वर्मा जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं, एक दिन पहले हमारी कार्यकारिणी टीम पहुंची है, हमारे दिल्ली से चलकर भाई रवि कमांडो जी भी यहाँ उपस्थित हैं तैयारियों को लेके, तो पूरी टीम एक दिन पहले हमारी यहाँ आ चुकी है। आप सोचिए कि प्रदेश कमेटी अब 2 दिन पहले आ चुकी है, और मैं 3 मार्च से यहीं हूँ, 3 मार्च से यहीं तैयारियों में लगा हूँ, तो सोचिए कितने बड़े लेवल पर तैयारी चल रही होंगी। वो सरकार को याद रहेगा बुंदेलखंड, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।